अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाह की फजल करम और रहमत के साथ करते हैं आज के रेसिपी का आगाज़। होप सो कि आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले जो है हम ये करेंगे कि हमने ये 4 कप पानी लिया हुआ है। 4 कप पानी है। 4 कप पानी के मेजरमेंट से हमने 2 कप चीनी इसमें शामिल कर देंगे और इसको इसका जो है ना शीरा बना लेंगे। ये मैंने चीनी शामिल कर दी और यहाँ पर हम जो है एक पतीली लेंगे। कढ़ाई ली है मैंने स्लो फ्लेम पर। इसमें हम सूजी को भून लेंगे। ये मैं इसमें सूजी शामिल कर रही हूँ। हल्की आंच पर हमने सूजी को भूनना है। फ्लेम आपकी हाई नहीं होनी चाहिए ताकि एक फौरन से जो है सूजी जल नहीं जाए। तो हम इसको जो है हल्की आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक जो है हम इसको सूजी को रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड, ये देखिए काफ़ी हद तक हमारी सूजी भून चुकी है। बस हम थोड़ा सा इसको और भूनेंगे और इसमें शामिल करेंगे हम ऑयल। इस स्टेज पर हम इसमें 1 कप के करीब, ये हमारे पास 1 कप, ये देखिए 1 कप ऑयल है। 1 कप हम ऑयल इसमें शामिल कर देंगे। ऑयल का कच्चापन ख़त्म होने तक 1 से 2 मिनट हम इसको मज़ीद भूनेंगे। दो कप हमारी सूजी थी, 2 कप हमारे चीपास चीनी थी और 1 कप जो है मैंने ऑयल इसमें जो है शामिल किया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं पसंद करती हमारी फैमिली। तो बस मैंने 1 कप ऑयल जो है इसमें शामिल किया है। वैसे तो इक्वल मेजरमेंट में कुछ लोग इसमें वो करते हैं कि 1 कप सूजी है तो 1 कप ऑयल और 1 कप चीनी, लेकिन सूजी और चीनी की क्वान्टिटी इक्वल रखी है, पानी की डबल रखी है और ऑयल मैंने बस 1 कप शामिल किया इसमें। देखो फ्रेंड्स, ये देखिए सूजी अच्छे से हमारी बन चुकी है। ऑयल शामिल करके भी मैंने इसको रोस्ट किया। अब इस स्टेज पर मैं इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट शामिल करूँगी। ये मेरे पास बादाम और किशमिश है, मैं ये इसमें शामिल कर दूँगी और कोकोनट मेरे पास क्रश किया हुआ है वो मैं इसमें शामिल करूंगी। ये इसमें मैं कोकोनट शामिल करूंगी, इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी। जी तो फ्रेंड्स, बस अब इस स्टेज पर जो है मैं इसमें जो हमने चीनी और पानी को पकाया था ये देखिए ये मैं शामिल कर दूँगी। अगर ये आप देख सकते हैं ये देखिए मैं इसमें
गैस पे मैं इसे कुछ देर के लिए पकने दूंगी। अब ये उसके बाद में इसको ये तो फ्रेंड अभी हम अपने हलवे की लुक चेक करते हैं। देखिए हलवा हमारा रेडी हो चुका है, बस हमारे इसे डिश आउट करेंगे। कलर भी बहुत अच्छा है, गोल्डन कलर जो मुझे पसंद है वो वाला कलर इसका निकल के आया है। तो अभी मैं इसको गार्निश करती हूँ, फिर मैं आपको डिश आउट करके